ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਮਲੇਰੀ ਗਲੀ ਵਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟਰੰਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੀ ਆ ਚੋੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਅਲੈਚੀ ਗਿਰ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਲੈਚੀ ਗਿਰ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੈ ਲਾਲੂ ਮਾਲ ਗਲੀ ਲਾਲੂ ਮਾਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਰ ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਹੱਟੀ ਆ ਦਿਖਾ ਕਾਕੇ ਜਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਚੋੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਰੁਕੇ ਆਏ ਭਈਆ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਕਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਹੱਟੀ ਔਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਹਮਨੇ ਸੋਚਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੁਆਰੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹੋਤੇ ਥੇ ਉੱਪਰ ਵੋ ਵੀ ਡਾਲਾ ਹੋਤਾ ਥਾ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਜੋ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਉਧਰ ਸੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸੇ ਆਤਾ ਹੈ ਵੋ ਕੇਸਰ ਕੇਸਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਅਲੱਗ ਹੋਤਾ ਥਾ ਦੂਸਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋਤਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਭਈਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਵੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੀ ਕਹਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਮ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲਾ ਟੋਨੀ ਖਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਆਪਣੇ ਡੱਡੂ ਫੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਮ ਲੋਕ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਮੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਵੋ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਤੇ ਥੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਖਾੜੇ ਮੇ ਲੜਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਬਦਾਮ ਘੋੜ ਕੇ ਪੀਤੇ ਥੇ ਯਾਰ ਸਰਦੀ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਹੋ ਉਨਕੋ ਪਸੀਨੇ ਆਤਾ ਰਹਤਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਫੂਲੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਐਸੇ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੋ ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇ ਉਨਕਾ ਯਾਰ ਲਾਈਫ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਅੱਛਾ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਮੈਨੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਾ ਥਾ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੜਾ ਹੈ ਵਹੀ ਪੁੱਛਨੇ ਕੇ ਲਿਆ ਭਈਆ ਜੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਜੋ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਚਲ ਥੋੜਾ ਸਾ ਅੰਦਰ ਚਲ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਚਲ ਅਭੀ ਪੁੱਛ ਲੇਤੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੇ ਦੇਖੇ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖੇ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕੀ ਲਗਾ ਰੱਖਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਨੇ ਇਹ ਸਰ ਹਾਨੀ ਲੱਡੂ ਹੈ ਹਾਨੀ ਲੱਡੂ ਹੈ ਜੀ ਭਈਆ ਇਹ ਉੱਪਰ ਹਾਨੀ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਰਬਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਕੰਦ 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 ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖਾਤੇ ਥੇ ਯਾਰ ਗੁਲਕੰਦ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਥਾ ਜਦ ਲੋਕ ਖਾਤੇ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਬਦਲਾ ਵਕਤ ਕੇ ਸਾਥ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ ਜੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜੇ ਬਰਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਗਾਜਰ ਕਮ ਹੈ देखिए गाजर पे इनका जो देखने में रंग भी बढ़िया कितना है यार कुछ लोगों ने इतना एडवर्टाइजमेंट कर लिया ना अपना हलवाइयों ने लेकिन माल साल देखना ना आप लोगों ने माल वाल में देखना है तो लुधियाना में आइए पुराने शहर में वो पुरानी दुकानें हैं 100-100 150-150 साल पुरानी तो देखिए जहाँ पर इनके बुजुर्ग जो है और देखिए ठंडा केसर दूध तो है लेकिन कहते हैं कि हमने लगा रखा है कहीं फ्रिज वगैरह में हॉट गुलाब जामुन भी है इनके पास बॉक्स का प्राइस लग लेते हैं ये और भैया ये पीछे भी दिखा दो पुरानी पुरानी दुकान है यार ये इधर दिखा दो शंकर दी हट्टी के नाम से इनका और देखिए जाम भी यहाँ लग जाता है सड़क पर एक मिनट में और देखिए ट्रक वगैरह लगे अंदर सारा कारखाना है इनका यहीं से दिखा दे बस और जहाँ पर ऑटोमेटिक भट्टियाँ पहले कोले की होती थी कोले कोला होता था इनके पास और देखिए ये गुलाब जामुन है जो गर्म है ये देखिए ये गुलाब जो इतना बड़ा बड़ा कहीं आपने देखा भैया नहीं देखा ना और इनके पास देखिए थोड़ा ही माल होता है जितना आपको लगता है उतने बनाते हैं ये या बर्फी है ये इनके पास और उसके बाद बेसन भी है इनके पास ये गुलाब जामुन देखना जी ये गुलाब जामुन दिखाइए इतना बड़ा कैसे होता है ये और ये देखिए गुलाब जामुन आपको इतना बड़ा किसी हलवाई की दुकान पर नहीं मिलेगा जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं ना जो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं हमारा ये माल बम्बई जाता है हमारा कलकत्ता जाता है हमारा दिल्ली जाता है कभी कहते हैं कि हमारा राहुल माल गांधी का माल खाता है कभी कहते हैं सोनिया गांधी खाते हैं कभी कहते हैं मनमोहन सिंह खाता है भैया लोग अपनी अपनी बातें करते हैं कौन से हलवाई से जाता है कहाँ से जाता है किसी को पता नहीं लेकिन जहाँ पर पता है कि असली माल मिलता है अपनी अपनी बातें लोग कहते हैं हम तो सुनते रहते हैं जो लोग कहते हैं लेकिन ये देखिए गुलाब जामुन और देखिए भाऊ जी भी हैं और नमस्कार भाऊ जी क्या हाल चाल है और देखो अभी ना देखो भाऊ जी खड़े है एडा एडा गुलाब जामुन देखो वधिया बनाया हुआ है ना स्पेशल चीज है जी वो देखो गुलाब जामुन बाकी हलवाई तो एडा बनाते हैं नहीं वो देर गाग दी मंग ही है ना गुलाब जामुन असली माल होगा ना अगर असली खोआ होगा असली पनीर होगा तभी ये फूलेगा और देखे ये अभी देखे ये खड़े हैं जहाँ पर ये दूध भी है जाने के पहले लोग ना बाटे में पलाते बाटे ही पलाते पहले बाला बाटे ही पीते सी जी कितने साल हो गए तो दुकान सर असि 1928 दे बैठे हैं जी 1928 के बैठे हैं और 5-6 साल बाद जाने के 100 साल हो जाएगा आपको बिल्कुल जी बिल्कुल 100 ईयर होगा सिल्वर जुबली बनाएंगे जी 100 साल से इनकी दुकान है जहाँ पर और दूध की दुकान शंकर हलवाई की दुकान
ये खुशी राम से थोड़ा सा आगे आओ, ये झंडू के सामने है ये दुकान लालू मल गली में। चलो भैया देखा गुलाब जामुन का के दिखाना क्या, इधर इधर रखना कितने का जामुन, वो देखिए हम आपको दिखाते हैं। और देखिए ये सामान ही इनके पास ज़्यादा नहीं रखते, ये जो है मेरे को सारी अपनी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग है जी, रेडीमेड मेरे को कुछ नहीं है। ये देखिए गुलाब जामुन भैया, यही देखने के लिए हम आए थे स्पेशल। ये देखिए इतना बड़ा गुलाब जामुन भैया, जब खाना हो तो लुधियाना में अगर आपको मंगवाना हो ना, यहाँ पर कहीं नंबर लिखा होगा, नंबर कहाँ लिखा आपका, सब बाहर लिखा ही बोर्ड पे, यहाँ कार्ड नहीं है विजिटिंग कार्ड। ये देखो विजिटिंग कार्ड दिखाते हैं, साथ ही रख दो गुलाब जामुन के, ताकि थोड़ा क्लोज करके दिखा दे। ये ऐसे रख दो, इसको लगा करके थोड़ा सा इसको अपने नंबर पर लगा दे। और जाम लग गया बाहर, हमने के निकल भैया यहाँ से। और देखिए ये आ गया ना पूरा नंबर भैया शंकर की हट्टी का। अब ऑर्डर करके मंगवा लो इनसे, जोमेटो जोमोटो वाले नहीं रखे इन्होंने, फिर भी आप लोग नौकर को भेज के मंगवा सकते हो। जोमेटो तो मिलता बर्गर वगैरह यार, जैसे रसगुल्ला गुलाब जामुन कौन मंगवाता है, कोई आपका बुजुर्ग हुआ घर में 100 साल का 80 साल का 75 साल का भाई कह गया यार मेरे को शंकर हलवाई से दूध ला दो या मेरे को गुलाब जामुन ला दो। चलो यार चलते हैं, बाय बाय।